प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। पंजाब सरकार जसबीर सिंह की अगुवाई पर रोज प्रदर्शन। मोबाइल लोकेशन पर पकड़े गए ऑटो ड्राइवर कातिल। नाबालिग लड़की से गैंग रेप। फिल्म दिलवाले का मराठा मंदिर में गाना लॉन्च किया गया। कार लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। खापरखेड़ा की ओर से खापरखेड़ा ग्रामवासियों के लिए एम्बुलेंस। 200 पक्के मकान 30 दिन में तोड़ने का नोटिस दिया गया। पंजाब प्रधान जसबीर सिंह बादल की अगुवाई में किया गया रोज प्रदर्शन। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। जफेगढ़ झुड़िया में पंजाब जूरिस्ट की ओर से पंजाब प्रधान सरदार जसबीर सिंह की अगुवाई में रोज प्रदर्शन किया। अमृतसर में मोबाइल लोकेशन पर पकड़े गए ऑटो कातिल। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। जी 15/11/15 ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਪਤਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਫੋਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਆ ਸਟੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਆ ਸਟੈਣੀ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੌਕਾ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 16/11 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਆ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲੀਆ ਸਟੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਦੀਪੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੀਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਸ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 30-32 ਸਾਲ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ? ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। एक नाबालिग लड़की को फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन दोनों लड़कियों को गौर से देखिए। अभी तो यह मीडिया के कैमरे को देखकर अपना मुंह छुपा रही हैं ताकि इनका असली चेहरा बेनकाब ना हो जाए, लेकिन इनकी असलियत की कहानी जब आपको पता चलेगी। यह दोनों आरोपी लड़की का नाम साजिया सत्सी और जोया शेख है, जो कहने को तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं, लेकिन इनका असली व्यापार सेक्स रैकेट था। 4 नवंबर को पुलिस के थाने में 17 साल की नाबालिग लड़की जब अपने माता पिता के साथ शिकायत करने पहुंची तो उनकी दास्तां सुनकर खुद पुलिस के भी पैर से जमीन खिसक गई। दरअसल लड़की यूं तो मुंबई के बांद्रा के इलाके में नामी कॉलेज में कॉमर्स की छात्रा है, लेकिन साथ ही वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम भी करती थी, जिसे साजिया सम्मी और शेख नाम की दो लड़कियाँ ही चाबी थी। आरोपी इन दोनों लड़कियों के मासूम 17 साल की पीड़ित। मारने के कमरे में 3 लोगों की एंट्री होती है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उन्होंने लड़की को शराब पीने के लिए ऑफर किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह से उसे सॉफ्ट ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। गोरेगांव में रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग लड़की इवेंट मैनेजमेंट में काम करने वाले साजिया समसी और जोया शेख इनके कॉन्टेक्ट में आ गई। इन्होंने उस लड़की को एक्टिंग के लिए मौका देंगे इस बहाने से उसको अहमदाबाद लेके गए शूट के लिए और वहाँ एक होटल में उसे रुकवाया और उस दिन वहाँ 3 अलग से लोग आ गए होटल में। उन्होंने वहाँ शराब पिया, लड़की को भी उन्होंने शराब के लिए पूछा, लड़की ने नहीं बोलने के बाद उसको कोई टैबलेट दिया गया जिससे उसको डिजीनेस आ गया और उस दौरान ये 3 लोग जो है इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, इन्होंने उस लड़की के ऊपर रेप किया और इस रेप का शूटिंग किया उन्होंने। वो शूट करने के बाद में नेक्स्ट डे वो लड़की को बारडोली लेके गए। बारडोली लेके जाने के बाद वहाँ भी उसको बताया गया कि ये ऐसा हमने शूटिंग किया है, अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो हम इसको डाल देंगे वेबसाइट पर। तो लड़की ने डर की वजह से लड़की चुप गए हो गई। बारडोली में किसी फार्म हाउस पर लेके गए और वहाँ भी 2 लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया।
उसके बाद वो लड़की मुंबई आने के बाद फिर उसको बुला के मीरा रोड पे एक आदमी ने उसके ऊपर रेप किया, लेकिन ये बार बार हो रही अत्याचार से लड़की ने तंग आकर अपने घर वालों को बताया। तब घर वालों ने और ये लड़की के साथ पुलिस स्टेशन आए। इस मामले में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। इसमें दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर इंटेंशन क्या है, क्या वो लड़की और साजिया और जोया शेख करके जो दोनों लड़के थे इनकी उम्र कितनी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये लोग पहले से दूसरे कॉन्टेक्ट में थे? अभी ये लड़की जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का काम इसमें काम करते हैं और ये लड़की भी उनके कॉन्टेक्ट में आ गई, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था उसके कॉन्टेक्ट में ये लड़की आ गई और जान पहचान होने के बाद इन्होंने इस लड़की को बताया कि आपको हम फिल्म में काम देंगे, सीरियल में काम देंगे। तो नेचुरली सी द गर्ल वाज अट्रैक्टेड टू दिस चकाचौंध और वो उनके ट्रैप में आ गई। इनका मोटिव क्या था, इस तरह का वीडियो? अभी तो आरोपियों को अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजा है, अभी इनके पास हम इंट्रोगेशन करेंगे जब सारी बातें सामने आएगी। तो इनका इंटेंशन जैसे एक तो वीडियो बनाया तो कहीं ना कहीं और कस्टमर को बुलाया गया तो पैसे इतना नेचुरली अगर उसको लेके जाके अहमदाबाद में अगर उन्होंने तीसरे लोगों को तीन लोगों को बुला के उसके ऊपर रेप करवाया तो नेचुरली कुछ ना कुछ लेने के लिए पैसा हो या समथिंग तो कुछ तो किया ही होगा। अभी उनका इंट्रोगेशन होगा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी जब वो सारी बातें सामने आएगी। एक फाइनल क्वेश्चन सर, टोटल कितने आरोपी थे, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने और बाकी? जैसे हमने बताया आपको कि पहले दिन तीन, दूसरी बार दो और मीरा भाईंदर में एक, छह लोगों ने उसको अलग अलग डेट्स पर लड़की के ऊपर अत्याचार किया है और ये दो लोग जो है जिनका नाम मैंने आपको बताया हुआ है ये दोनों के कांटेक्ट में आके इन्होंने उसको ल्यूर करके वहां लेके गए हैं। तो सारे कुल मिलाकर इसमें आठ आरोपी होंगे। अभी बाकी ये दो आरोपियों को कस्टडी में लेके उनको इंट्रोगेशन करके बाकी सब आरोपी का तपास किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। मुंबई सेंटर के मराठा मंदिर में फिल्म दिलवाले का गेरुआ सॉन्ग लॉन्च किया गया, फिल्म की पूरी टीम उपस्थित, शानी सिंह की रिपोर्ट। मुंबई सेंटर के मराठा मंदिर में दिलवाले फिल्म का गाना गेरुआ लॉन्च किया गया। रोहित शेट्टी, प्रीतम, शाहरुख खान, काजल, वरुण धवन, कृति उपस्थित थे। शाहरुख खान के गाने पर वरुण, कृति ने डांस भी किया। पत्रकार से प्रश्न पूछने पर क्या कुछ कहा शाहरुख और काजल ने, आइए सुनते हैं। फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। हमको
अंकुर हमें तो वो करो जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझसे प्यार नहीं करेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी। गाना किया है उसे प्रकट होना चाहिए ने। टेक्निकली दिस इज माय फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग, तो मैंने सोचा ऐसा करूंगा कि हुआ ही नहीं, वो कोशिश की है, बाकी अब देखते हैं। It's a great sweet of them. I think they are wonderful. They are great friends, great co-actors. I work with them. I don't know if you work with either of them, but they're beautiful people. And I actually, as a matter of fact, on the way, jab main traffic ko beat kar raha tha, maine padha wala jo kaha. And it's first of all, I think it requires a really big heart and to have this kind of feeling for other actors. And of course, we've been there for 20 years, and we've tried to create by chance actually. हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़े बलम तोड़े क्या हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और हाँ घर तो उठता भी नहीं हमको तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस स्पॉट इन अवर माइंड आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक टू अब वो पलम टूटता है कि टूटता हमसे मुझे मालूम ही नहीं I'll be really honest. I'm not being modest about this. But what happens is कि एक reputation सी बन जाती है कि action star है, romantic star है. तो मेरी ऐसी बन गई है. But I really believe कि लोग मेरे साथ मेरे लिए film बनाते हैं. Rohit है, Pritam ने जिन्होंने music किया, Amitabh. वो कहीं ना कहीं पर उस बात को बढ़ावा देते रहते हैं कि अगर काजल और शाहरुख साथ में काम कर रहे हैं, we're doing a romantic film. I think the directors, the producers, all the technicians, the cameramen. You know, they all put in their best effort to make me look better in those kind of roles because somebody, you know, Pritam Das ko humne bola, Rohit Nandan ji ki humne romantic gaana chahiye, to pichle saal se lagaa main romantic gaana ko kamaal karta tha kar gaya. Because he really believes that the best romantic song of this connection should belong to me. So I think it's the love and the goodness that makes me look more of a lover boy than I really am. Romantic thing that my husband has done for me recently has been the fact that he's babysat my kids actually while I was on outdoor. That was a very sweet moment. I was totally bored over the fact that he just turned up and he said that, you know, maybe don't worry about the kids. I'm going to be at home with them, so you know, you can go out there and work. So he's the best. ये एक मोमेंट होता है जो एक्टर्स पर्दे पे होते हैं लोग उनसे ऐसा समझते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया हमने कुछ भी नहीं किया जो ये टीम है रोहित का एक आइडिया था कि एक खूबसूरत सा लव सॉन्ग होगा सो एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द टीम बट बिकॉज काजल इज सच अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन मैं मुझे दोस्त कहते हुए भी ठीक लगता है एक्चुअली हम क्योंकि 20-22 साल से तकरीबन शुरुआत साथ में की है और एक बहुत ईज और एक बड़ा ही कम्फर्टेबल रिलेशनशिप है हमारा हम जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर शुरुआत हो रही है सो आई थिंक दैट कम्फर्ट दैट लव दैट केयर एंड जेन्युइन डिजायर कि ये अगर मेरे साथ ना भी हो किसी फिल्म में या कहीं पर भी हो मैं चाहूँगा इनके साथ बेस्ट हो और ये भी मुझे चाहिए वी वर वॉचिंग द सॉन्ग फ्रॉम द साइड वी बीन डूइंग बिजनेस ऑफ सिनेमा फॉर 20 इयर्स नाउ बट दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग यू नो यू शुड कीप ऑन एक्टिंग मोर बिकॉज यू लव डूइंग दिस एंड आई वुड टेल हर द सेम थिंग सो वी केयर फॉर ईच अदर In a very, I don't know how to describe it. It's just very easy and natural. We're just good friends. Yes. मैं कुछ नहीं करता रोमांटिक गानों के अंदर यार एक्चुअली जितना लगता है कि रोहित एक्शन डायरेक्टर है उतना रोमांटिक एक्चुअली है और उतना ही कॉमिक है मैं मोर एक्शन लगता नहीं मैं ऊपर से नरम हूँ अंदर से गर्म हूँ ये ऊपर से गर्म है अंदर से नरम है तो सारा जो रोमांस किया इसमें डायरेक्टर किया अमृतसर में कार चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश चार गिरफ्त में एक फरार हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट जिला पुलिस ने कार और अन्य तरह की लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है पुलिस के मुताबिक गिरोह के चार सदस्यों को काबू कर लिया है जबकि एक आरोपी फरार हो गया इस संबंध में ADCP के सिटी हरविंदर सिंह सिद्धू ने बताया है कि पुलिस पार्टी ने अमृतसर के एक इलाके थे गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी कर रखी थी नाकेबंदी के दौरान पुलिस पार्टी ने उक्त गिरोह के चार सदस्यों को काबू कर लिया ਕੈਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ACP ਈਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ SHO ਬੀਟ ਵਿਜਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਨਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਟ ਵਿਜਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੂਲੇ ਚੱਕ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਗੁਰਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੀਰਤਗੜ੍ਹ ਥਾਂਦੇ, ਜੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਮਨ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮਨਗਰ ਜੇ ਪੰਗੌੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ 32 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ 12 ਬੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 2 ਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ 235 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਕੋਲੋਂ 225 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਕਦਮੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੁਕਦਮੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 2 ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੇਸ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮੇਨ ਆਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵੈਪਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪਸੀਜਾ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, PB02CK07 ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹ ਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਪੈਂਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ 5 ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਬੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਬੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਗੋ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ, ਫੜ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਣੀ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਆਹੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਸਲਾਹ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਢਦੇ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਖਾਪਰ ਖੇੜਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਖਾਪਰ ਖੇੜਾ ਗਾਂਵ ਵਾਲੋ ਕੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਮਾਰੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਪਰਿਸਰ ਮੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੈ ਲਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਇਹ ਸ਼ਵਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸਕਾ ਲਾਭ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਜ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਭੀ ਸਾਥੀਓ ਕੇ आज भी खूप आनंदित आहे। खापरखेडा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन तर्फे एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून यापूर्वी देखील ॲम्ब्युलन्स चालू केलेली आहे, गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करतात। इतर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन जे हमारी खापरखेडा बिजली केंद्र के जो काम करते संयंत्र में उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके सब मिलके हमने एक तैयार की, और विगत 2 वर्ष पहले हमने इसके जनता की सेवा के लिए हमने एम्बुलेंस जो खरीदी थी वो हमारी अच्छे से नियमित रूप से शुरू है। और फिर देखने में आया है कि इस क्षेत्र में जो हमारा जो क्षेत्र है रहना जो है जिसके उससे जो घाट हमारे 2-3 किलोमीटर हमारे घर के पास से 4-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ले जाने में हमें बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो हमारे जो है कैशियर साहब जो है चंडीगढ़ जी, इन्होंने अपने सामने कैसी राय रखी और फिर हमने अपने उसको मनोज बना के हमने उसको आज हमने उसको सवाई ने खरीदी और उसका लोकार्पण सोहरा आज संपन्न हुआ। आज ये सभी हमारे कंट्रैक्टर भाइयों के वजह से सहकार्य से हमने आज इसको जो सवाई ने खरीदी और उसको हम सक्सेस हो पाए, आगे भी इस संगठन के तरफ से अपना समाज के प्रति हमारे कुछ देना है, इसकी वजह से हम आगे भी कुछ करते रहेंगे, सेवाएं देते रहेंगे। कई सालों से यहाँ बहुत लोगों के दिलों दिमाग में ये बात थी, उनकी डिमांड थी कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पैदल शव यात्रा ले जाना पड़ता था। कई बड़े बुजुर्ग लोग चक्कर आके घिरा करते थे, वो देखते हुए कई मेरे मन में एक तड़प सी जागी कि इस शव यात्रा के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुझे एक हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक माध्यम मिला, उनके सामने मैंने एक अपनी विनती की, गुजारिश की
शायद जिद्द ही बोलो मेरी, तो उसका जो सम्मान किया हमारी एसोसिएशन ने, तो उनके वो एसोसिएशन के सभी अध्यक्ष सचिव पदाधिकारी इनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस जीत को पूरी किए और यहाँ लोगों की सेवा का मौका मुझे भी दिया और खुद भी लिया। बस इतना ही कहना चाहूँगा आज की इस शौवाहिनी लोकार्पण के अवसर। आपका नाम? धन्यवाद। अपना नाम पुरुषोत्तम चांदेकर। नागपुर के वरोड़ा खसरा आउट परिसर के पक्के मकान को तोड़ने का नोटिस दिया गया कोर्ट के द्वारा NRC ने। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। तो आम्ही बैंक मध्ये 1000 रुपये चार्ट भर लेला है, त्यांची स्लिप आमच्याकडे आहे, टॅक्स वगैरे लागलेला आहे, आमच्या नावाने टॅक्स झालेला आहे, रजिस्टर झालेला आहे। जेव्हा जेव्हा गंताड्याने आम्हाला पैसे मागितले तेव्हा तेव्हा आम्ही एक एक पैसा करून आम्ही पैशाची त्याची परतफेड केलेली आहे आणि आता म्हणजे नोटीस आलेला, त्या नोटीसला आम्ही मान्य करणार नाही आणि जागा खाली करणार नाही। असं किती लोकांना नोटीस देऊन राहिलो? सर्व लोकांना, म्हणजे कुटुंबामध्ये 150 वस्तीची घराची वस्ती आहे, 150 वस्तीवाल्यांना म्हणजे घरांना नोटीस आलेल्या आहेत, सर्व आमची एकी आहे आणि एक एक पैसा करून आम्ही ते जागा खरेदी केलेली आहे, तिथे आम्ही जागा खाली करणार नाही, म्हणा बेघर करणार नाही आणि रोडावर मुलं बाळ घेऊन, आमचे शिक्षणवाले मुलं आहेत, आम्ही रोडावर मुलं घेऊन बसणार नाही असं आलेल्या। माझं रत्नमाला संजय शेंडे। क्या नोटिस में दिया आपको? नोटिस में दिया है कि ये सोसाइटी एक महीने के अंदर खाली करो। क्यों, आपके घरों की रजिस्ट्री नहीं है क्या? रजिस्ट्री हुई है, टैक्स लगा है, माने पूरे पैसे भी क्लियर है, तो भी NIT से नोटिस आया है। इसके आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हो? अभी हमारे को ऐसा है ना, हमारी जगह हमारे को होना। कसरा मी घर संसार सोसायटी इथे राहत आहो, आम्हाला तिथे कमीत कमी 25 ते 30 वर्षे झाली, आम्हाला कमीत कमी तिथे 25 ते 30 वर्षे झाली आम्ही राहत आहो आणि आमच्याकडे सगळे तिथे लिगल डॉक्युमेंट आहे। आमच्याकडे लिगल डॉक्युमेंट असल्यानंतरही त्यांनी NIT ने आम्हाला नोटीस पाठवली आणि त्याच्या अगोदर कोणत्याही प्रकारे ते पार्क अलॉटेड नव्हतं ते जमीन पार्कसाठी, पण तरीसुद्धा त्यांनी आम्हाला नोटीस बजावण्यात आली आणि पूर्वसूचना कोणत्याही प्रकारची न देता त्यांनी 30 दिवसाचा फक्त अल्टिमेटम दिला खाली करायसाठी आणि 30 दिवसामध्ये कोणत्याही प्रकार तर जर तुम्ही खाली केलं नाही तर तुमच्यावर लिगल कारवाई करण्यात येईल। लोक 25 साल से वो घर संसार सोसायटी में रह रहे हैं, वहाँ हमारे पूरे पक्के मकान बने हैं, 150 से 200 जनसंख्या में मकान बने हैं वहाँ पे और वहाँ की लोकसंख्या कम से कम 600-700 लोकसंख्या है, उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो लेआउट है ये तुम्हारा डिपुटेशन में और पार्क में बता रहे अब करके हमारा ये डिपुटेशन था। जिस टाइम पे चंद्रशेखर जी थे उस टाइम पे आपको किसी ने माहिती दी थी? नहीं नहीं, कभी इसके पहले हमको कभी आपका 1000 रुपये का भरा हुआ है? हमने 1000 रुपये भरे हुए, आपकी रजिस्ट्री की हुई है? रजिस्ट्री की हुई है। तो फिर अभी NIT से आपको कब ये लेटर मिला? NIT से ये लेटर मिला हमको 15 दिन से चालू है लेटर की मुहिम, 15 दिन से हमारे। अभी आपने मैडम को डिपोटेशन दिया तो मैडम ने क्या आपको आश्वासन दिया? सर ने अभी आश्वासन ये दिया, एक महीने के अंदर उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर आपके जो मकान टूटने वाले थे वो अभी आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि मकान नहीं टूटेंगे आपके, उन्होंने ये आश्वासन दिया हमको और हमने उनको अपना ये करके वापस आया। आपका नाम बोलो। मेरा नाम राजू भिवा। आज बस इतना ही, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।